ओके बच्चे, तो क्या प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे थे? एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, यानी ऐसा कौन कौन सा इनकम है जिस पर टैक्स नहीं लगता, उसमें एग्जम्प्टेड इनकम के बारे में कुछ नोट लिखवाए थे आप लोगों को, बताइए तो। देखे नोटबुक, थोड़ा खुशी देखे नोटबुक, नोटबुक देखे, नोटबुक देखिए क्या लिखा। हाँ थोड़ा फिल आने दो, कुछ नोट्स भी भेजे थे, पीडीएफ भी भेजे थे आप लोगों को। I think उसी से मिल करवा रहे हैं, करंट का है ये। ये तो रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में भेजे थे आपको, और आगे भी भेजे। कहां तक हुआ था देखो, तो एलएलपी बताए थे ना, पूछे भी थे बच्चे से एलएलपी का फुल फॉर्म, हाँ लिमिटेड लाइबिलिटीज नॉन रेसिडेंट हो गया था, देखिए 7 नंबर पॉइंट में है, 7 नंबर की 6 नंबर, कितना नंबर पॉइंट तक हुआ बताओ, नोट क्या पढ़िए, वो हो गया था ना, उसका नोट भी बता दिए थे ना, नोट बता दिए थे, देखो नोट में एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 4 नोट करके लिखोगी, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 2 है, इज अवेलेबल ओनली If a person is resident outside India, as defined under
फेमा, FEMA, नाम सुने हैं? कैपिटल लेटर लिखिएगा सब में, फॉरेन एक्सचेंज, हाँ 1999, और अ पर्सन हु हैज बीन परमिटेड और अ पर्सन हु हैज बीन परमिटेड बाय द आरबीआई बाय द आरबीआई टू मेंटेन द अकाउंट मेंशन एवर. ये जो नोट है वो किसके लिए है कि आपको हम लिखवाए फोर नंबर पॉइंट में कि इंटरेस्ट एज इनकम ऑन नॉन रेसिडेंट सेक्शन 10 क्लॉज 4 में जो बताए हैं उसका, उसमें दो पॉइंट बताए थे, तो उसमें सेकेंड पॉइंट का ये नोट है. एक फोर सबसे फोर और क्लॉज 1 था ना, और फोर क्लॉज 2 था ना उसका, कि फोर क्लॉज 2 में क्या था कि ये इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी एक्सटेंडिंग टू हिज क्रेडिट इन अ नॉन रेसिडेंट अकाउंट इन एनी बैंक इन इंडिया फॉलोइंग फेमा 1999 इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स. उसमें एक ही पॉइंट लिख पाए थे एक लाइन वहां पर लिख लो और उसका थोड़ा एरो कर देना, ऊपर में नोट कर देना, ठीक है? लिखो तो इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, इन केस ऑफ an individual's, in case of an individual's income by way of interest, by way of interest on money extending, on money extending to his credit, to his credit in a non-resident to his credit in a non-resident bracket में देखो external account in any bank, in any bank in India following FEMA, FEMA 1999 is exempt from income tax. क्या करोगे अब यदि इसके नीचे लिखे हैं अभी ना, तो थोड़ा इसमें क्या करोगे, इंडिकेट कर देना उसको, तो इसका ये नोट है. चलो पढ़ के पढ़ देखो, तुम समझ में आया?
आया समझ में? मजबूरी मत बोलिए, नहीं आया समझ में? अच्छा, नॉन रेसिडेंट तो समझ में आता है। अगर मान लो भारत के किसी भी बैंक में उसका अकाउंट है, ठीक है, कभी आता कभी नहीं आता है, चला जाता है बाहर, ठीक है, तो जनरली डबल टैक्सेशन का काम नहीं होता है। ये तो पता है आपको कि अगर मान लो हम नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, और मेरा अकाउंट इंडिया में है, तो बैंक जो पैसा देता है इंटरेस्ट, तो मेरे लिए वो क्या हुआ? इनकम हुआ ना, आया ना? सिंपल सोचो ना, किसी बैंक का पैसा जमा किए, उस पर बैंक इंटरेस्ट देगा ना, तो वो आपके लिए क्या हुआ? इनकम हुआ। तो उस इनकम पर टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लेकिन ये गाइडलाइन है बैंक को आरबीआई का के माध्यम से, आरबीआई के द्वारा दिया गया गाइडलाइन है कि आप इस प्रकार के इनकम जब भी आप इंटरेस्ट अलाउ करते हो तो टैक्स काट करके नॉन रेसिडेंट के केस में। तो एक बार ऑलरेडी जब वो इनकम पर टैक्स ऑलरेडी कर चुका है तो दोबारा उस पर टैक्स उस व्यक्ति को नहीं देना है। या कोई भी कंपनी में जो हम काम करते हैं, ठीक है, और उस कंपनी के द्वारा ऑलरेडी जो टैक्स कहते हैं डिविडेंड, इंडियन कंपनी है ना, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, वो भी टैक्सेबल नहीं है। क्या है? एग्जम्प्टेड है। क्यों एग्जम्प्टेड है? क्योंकि वो जो डिविडेंड इंडियन कंपनी देता है तो उस कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ ना, तभी तो पैसा इनकम हुआ, तो वो क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा पब्लिक शेयर होल्डर को। तो उस इनकम पर ऑलरेडी कंपनी क्या किया? टैक्स गवर्नमेंट को चुका दिया, और वो चुकाने के बाद जो पैसा होता है वो अपने शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड के रूप में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो शेयर होल्डर के लिए तो वो पैसा क्या हो गया? इनकम हुआ। अरे डिविडेंड रिसीव किया तो इनकम हुआ ना, तो पता नहीं, ये तो पैसा ऑलरेडी हम टैक्स दे चुके हैं, टैक्स देने के बाद हम आपको क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, तो फिर उस व्यक्ति को अलग से टैक्स देने की जरूरत। ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे इनकम होते हैं जिस पर टैक्स नहीं बताए थे। तीन पॉइंट, एक पॉइंट ये कि जिस पर पूरा का पूरा क्या होगा? टैक्स लगता है। एक पॉइंट ये बताया कि कुछ लगता है कुछ नहीं लगता है, और एक बताया कि कुछ लगता ही नहीं है। तो ये कौन से कैटेगरी में आ गया? कुछ लगता ही नहीं है। क्या हुआ जी?
इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, ये सेक्शन 10 क्लॉज 4B, ये बताए है ना, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारतीय नागरिक हो, सेकंड में लिखो अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, मतलब जानते हो ना भारतीय मूल के, अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन Who is a non-resident? Ten, four B. जब कभी भी A B C D बोलेंगे तो बच्चे हमेशा कैपिटल लेटर लिखना, स्मॉल नहीं होता है, ठीक है? स्मॉल होता है, जब स्मॉल होगा तो फिर हम बता देंगे आपको। कोई है क्या बारे में? Who is a non-resident? Income from interest on notified income from interest on notified saving certificate. It's exempt from tax. चलो लिखो आप पांच नंबर पॉइंट, फिफ्थ नंबर पॉइंट लिखो, फॉर एनी इनकम, for any income on interest received by a non-resident, for any income on interest received by a non-resident or a foreign company, or a foreign company in respect of rupee, in respect of rupee denomination bond, denomination bond issued outside India, outside India from इस डेट के बीच में इशू अगर किया गया हो तो वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, from 17 September 2018 to 31st March 2019 by Indian company. Company में बताया था resident non resident ना, हाँ Indian company is exempt from tax. आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि 10 ऐसे आयों की नाम बताएं, 10 ऐसे इनकम का नाम बताएं जो कि पूरा का पूरा क्या है, एक्सम्प्ट है, उस पर टैक्स चार्ज नहीं होता है। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में आएगा, ठीक है? आप जब आगे चैप्टर पढ़ोगे, चाहे सैलरी हो, कैपिटल गुण हो, गेन हो, या बिजनेस प्रोफेशन जो भी हेड हो, आपको वहां पर हम देखेंगे कि जैसे आपको हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एचआर, कि हाउस रेंट अलाउंस का कुछ पार्ट जो है सो एग्जाम्प होता है, कुछ पार्ट क्या
लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग या लिस्ट ऑफ द क्या अबव थ्री आइटम, यानी उस तीनों आइटम में जो सबसे कम हो वो एग्जम्प्ट होता है। तो इस तरह का आपको बताएंगे कि अब वो तीन आइटम कौन कौन सा होता है। जैसे अब एचआरए निकालेंगे तो हाफ इंटरलाइंस रिसीव, कितना वो इंप्लॉय रिसीव करता है इंप्लॉयर से, पहला फर्स्ट ये हुआ। दूसरा है 40% या 50%, अगर मान लो मेट्रोपोलिटन सिटी में रहता है तो आपको 50% है, अदरवाइज या रेस्ट ऑफ इंडिया 40%, यानी 2/5 या 1/2। और तीसरा आपका है, तीसरा में आपका आता है 40% 50% हो गया, और तीसरा में है उसका सैलरी का जो हाउस रेंट अलाउंस उसको मिलता है, ठीक है, सॉरी रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय। मकान में रह रहा है तो अपना भी तो वो कुछ कटवाता होगा ना, ठीक है, तो उससे जो एक्सीड होगा 10% से एक्सीड होगा तो वो अमाउंट आता है। इस तरह से तीनों में जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अगर रिसीव किया 10,000, एग्जम्प्ट हुआ 6,000, तो 4,000 पर क्या करेगा उसको, ग्रॉस सैलरी में वो टैक्सेबल होगा। तो बहुत सारे ऐसे अलाउंस भी मिलेंगे आपको जो कि कुछ पार्ट एग्जम्प्ट है, कुछ पार्ट पर टैक्स लगता है, कुछ अलाउंस ऐसे होंगे कि पूरा का पूरा क्या होगा उस पर टैक्स लगेगा, कुछ अलाउंस ऐसे होंगे जिस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। अलाउंस उस एम्प्लॉय के लिए क्या हुआ, कभी तो हुआ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग वहां पर समझेंगे, डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट ये सेक्शन लिख लियो 10 clause 4c, ये जो भी लिखवाए हैं ये है सेक्शन 10 clause 4c। अरे अभी 17 सितंबर का नहीं लिखवाए हैं इसका, ये कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, 10 4c क्लॉज में 4c कर देना। चलो अब 4d में लिखते हैं, कैपिटल गेन अराइजिंग अब जो लिखवा रहे हैं ये आपका है 10 clause 4d, कैपिटल गेन अराइजिंग out of the transfer of capital assets comma transfer of capital assets comma करके rupee denomination bond ये भी एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 4d में। एक और वर्ड है देखो 7 नंबर में लिखो, लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन CONCESSION, ये है सेक्शन 10 clause 5। एज पर सेक्शन 10 clause 5 एन एम्प्लॉई कैन क्लेम टू लीव ट्रेवल, एज पर सेक्शन 10 clause 5 एन एम्प्लॉई कैन क्लेम टू लीव ट्रेवल कंसेशन। और असिस्टेंस रिसीव और ड्यू टू द एम्प्लॉई फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर,
due to the employee from his employer in concession with the connection. ऊपर में कनेक्शन नहीं था जी, ऊपर ठीक है. कनेक्शन विथ एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ड्यू टू द एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन कनेक्शन विथ द प्रोसीडिंग On leave. Repeat हो गया क्या? ठीक. नहीं तो पढ़ते जाओ, पढ़ करके इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे. ये भी सकता है देखो, ये टॉपिक ये है कि देखो तो अभी जो भेजे हैं हम आप लोगों को उसका पॉइंट नंबर 7 है. क्या है गवर्नमेंट से का बॉन्ड नहीं होता है. 1972 जानते हो क्या है, ये जो रूपी डिनोमिनेशन बॉन्ड जो होता है ये एक प्रकार का मसाला बॉन्ड्स. देखो लिखा है एस राय जी, पर तुम इधर आपको बोले इधर छोड़ो वहां. हाँ, कोई भी जो एंटिटीज लाइक सुपर बाजार, बिग बाजार है ना, और 929 इस प्रकार का क्या है बिजनेस एंटिटी. तो कोई भी ऐसे पर्सन जो चाहते हैं कि फॉरेन करेंसी को क्या करें, कलेक्ट करें अधिक से अधिक मात्रा में, ठीक है, तो उनके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन गवर्नमेंट का है ना, ये यही का होता है, कोई वजह नहीं. और फॉरेन कंट्री में जाकर के वहां पर इन्वेस्टर को बोलेगा कि आप ये परचेज करो, इसमें पैसा क्या करो, इन्वेस्ट करो. अगर वो पैसा इन्वेस्ट किया, इट मींस जो भी डॉलर होगा, फ्रैंक होगा, येन होगा, जो डिफरेंट कंट्री में चलता है,
यानी फॉरेन करेंसी क्या होगा मेरा, आप देखते हो ना कि अगर बहुत ज्यादा कोई भी कंट्री अभी जैसे भी हाल ही में भी न्यूज न्यूज सब देखते हो आप लोग कि नहीं, अभी श्रीलंका का स्थिति देख रहे हो क्या बहुत एकदम से निचले स्तर पर चला गया, कह रहा है कि 400 के रुपए जो है सो वहां पर क्या है हाफ लीटर दूध है, मतलब जिसके पास पैसा है वो कर सकता है, वो सारा कर्ज में वो डूब गया है। ठीक है, तो अब हमारा ही आप कहोगे कि चलो भाई डॉलर का इतना है, रुपया का वैल्यू क्या है, अभी आप देखोगे कि आप कितना भी 76 या 77 होगा, कितना है देखो, $1 रुपी इक्वल टू कितना रुपी है, बीकॉम कर तो आप लोग मार्केट में 71 है, नहीं जी 76 हो या 77 होगा, आई थी कितना 75। तो आपको बच्चे ये पता है, ये एक समय ऐसा था जहां पर कि $1 इक्वल टू 1 रुपया था, पता है आप लोगों को ना, ठीक है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, ठीक है, कि या ये रिसेशन से होता है बेसिकली, ये क्या होता है, हाँ, अगर आपके पास में खाने का अनाज नहीं है आपके देश के पास में, तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं से तो कर्ज लोगे, जितना बार कर्ज लोगे, जितना ज्यादा कर्ज लोगे, उतना आपका जो मनी का वैल्यू है वो क्या होगा, क्या होगा, कम होते चाहिए। तो ये वही समय में हुआ था कि दो तीन बार ऐसा हुआ कंट्री के साथ में, ठीक है, इस चीज का ये हो गया। तो खैर मेरा यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर जो पॉइंट कर रहा है कि जो भी बॉन्ड है वो बेचेगा और बेच करके फॉरेन करेंसी क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो एक प्रकार क्या हुआ, अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी वहां पर, तो क्या है देखो लिखा हुआ है, मसाला बॉन्ड्स आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन एंटिटीज। बाय इंडियन एंटिटीज मतलब भारतीय का कोई क्या हो जो विदेश में जाकर, देश में जाकर वहां से फॉरेन करेंसी क्या करेगा, इशू करेगा। हां, और देयर डेट इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हेल्प टू रेज मनी इन लोकल करेंसी फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स। यानी फॉरेन इन्वेस्टर जो वहां पर है उनसे क्या करेगा, वहां के करेंसी जो भी मनी है वो रेज करेगा। Both the government and private entities can issue these bonds. दोनों प्रकार के, चाहे गवर्नमेंट भी वो कर सकता है और प्राइवेट भी कर सकता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो और प्रोत्साहित करता है भारत सरकार, या जितना ज्यादा ज्यादा, यही रीजन है कि आप देखोगे कि आप जब इंपोर्ट करते हो कोई भी सामान, अगर लाते हो विदेश बाहर से खरीद करके अपने कंट्री में बेचने के लिए, इतना भी टैक्स आपको लगा देगा कि आप चाह करके भी ज्यादा नहीं ला सकते, और तुम्हारे बराबर है वो तो हटा, ये हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है ना, टैक्स था ना जी। यस सर, आप सुने इसका, तो जो बिजनेसमैन यहां बनाएगा और बेचने के लिए बाहर ले जाएगा, तो उसको खुली छूट है कि भैया आप ले जाओ जितना बना रहा है यहाँ पर, इससे मेरा दोनों काम हो रहा है, एक तो मेरा लेबर इंटेंसिव जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कोई सामान बनाता है यहाँ पर आकर के इसे इसे मेरा लेबर का क्या जो बेरोजगारी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसी तरफ आप बाहर में जाकर के सामान बेच रहे हो, तो मेरे लिए आप एक काम और कर रहे हो कि फॉरेन करेंसी भी क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, इसीलिए आपको छूट है, आप करो ऐसा काम। लेकिन अगर आप ये चाहोगे कि हम बाहर से सामान खरीद के लाए और यहाँ पर क्या करें, बेचे, उसके लिए आपको बहुत बड़ी कर चुकानी पड़ेगी, टैक्स देनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी होता है, पहले था। चलिए समझ में आ गया, चलो आगे देखो तो क्या है, इसमें से आज कितना पॉइंट है, 7, कम से कम 15 नंबर पॉइंट तक हमको करके बताओ नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या। ओके सर, हो जाएगा। यस सर।
उसकी आपकी डेट आती है। ठीक है, तो 15 नंबर तक एसडब्ल्यू लेकर के बच्चे इसको आप लोगों को तैयारी करके लाना है। ओके बच्चे, एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू ऑल ऑफ यू।